हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुरु में। आज मैं आपको ई रिक्शा के बारे में टोटल स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ कि ये कैसा है, कैसा चलता है और क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा है कि ये आपको पैसे तो लग जाते हैं बट आपको ये यूटिलाइज में नहीं आते हैं। जैसा कि आप इसको 6 महीना चलाओगे और चलाते चलाते ये पूरे स्क्रैप हो जाएगा। अब चलाओ, उससे कमाओ और फिर उसी में लगाओ। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप उसको अपने घर में यूज़ कर सकते हो उस पैसे को, ये चीज़ इसमें नहीं है। मतलब इसमें जो भी कमाओ वो इसी में लगाओ। तो चलिए मैं आपको इसमें सारे मुआयने कराता हूँ कि ये स्क्रैप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मतलब ये हर जगह से स्क्रैप होते हैं और हर जगह से जल्दी टूट जाते हैं। मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम 6 महीने तक आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप इसी में कमाओ और इसी में लगाओ। तो ये सारे बातें बहुत सारी इसमें हैं कि आप इसमें 1,60,000 तकरीबन लगाओगे और वो पैसे आपको वसूल नहीं होंगे। अगर हाँ, अगर दोस्तों अगर आप अपने खुद के पैसे से एक दफ़ा ही आप उसको खरीदोगे तब उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर किस्त पर लोगे तो ये आपको बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रैप। Thank you.
जैसा कि दोस्तों देखा आपने कि टोटली स्क्रैप है, तो और फिर मैंने बताया था कि ये 6 महीने के बाद आपको फिर वैसा ही दिखाएगा, जब तक आप कमाओगे इसी में लगाओगे, उसी के बाद आपको एक और उसमें मिलेगा कि इसमें 4 बैटरी होते हैं, तो वो क्या होता है कि 6 महीने बाद चारों ख़राब हो जाती है, तो प्रत्येक बैटरी की 10,000 का पड़ता है, तो अब जोड़ लो 4 बैटरी ख़राब, इसका मतलब 40,000। तो ऐसे ऐसे करके टोटली आपको इसी में कमाना है, इसी में लगाना है, ये सारी बातें हैं, तो आप देख लो आपको लेनी है या नहीं लेनी है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये बेकार है, इससे अच्छा है कि छोटा सा ऑटो जो होता है वो आप ख़रीद लें, उसमें तेल डलाओ और चलाते जाओ, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, इसका बैटरी ख़राब होगा फिर आपको 40,000 रुपये लगेंगे, फिर ख़राब होगा फिर 40,000 रुपये लगेंगे, तो मतलब ये कोई अच्छी नहीं है। यह है कि इससे पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन के माध्यम से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।